हेलो राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज मुझे कहीं जाना है जो कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। साड़ी पहनी है मैंने आज, और आप लोगों को भी लेके चलूँगी। जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को ज़रूर लेके चलूँगी, और जहाँ भी जा रही हूँ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा कि कहाँ जा रही हूँ मैं। और देखिए, सुबह का काम वाम मेरा ख़त्म हो चुका है, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे निकल रही हूँ मैं। वैसे जाना तो शाम को था, लेकिन थोड़ा काम भी, सुबह का भी काम है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो सुबह को निकलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो ऐसा होता है ना कि एक काम के साथ साथ हम दूसरा काम भी कर लेंगे। तो इस वजह से मैंने सुबह निकलने का प्रोग्राम बनाया, और ये अचानक ही हुआ क्योंकि एक बार को मेरा कैंसिल भी हो रहा था कि जाऊं नहीं जाऊं, अभी जाऊं कि बाद में जाऊं। जाना तो था मुझे, लेकिन अभी जाऊं कि बाद में जाऊं, तो सोचा कि चलो दोनों काम हो जाएंगे और मैं निकल रही हूं, और आप लोगों को भी लेके चलूंगी मैं। तो तैयार हो चुकी हूं मैं, तो चलिए चलते हैं। और हम यहाँ निकल लिए हैं घर से, और मौसम सुबह सुबह का बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं स्कूटी से जा रही हूँ और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके। जो मायके में मेरे पड़ोस में चाचा जी हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो उसमें मैं पहुँच चुकी हूँ, और अभी मैं उन्हीं के घर पर हूँ। और शादी तो मैरिज होम में है, लेकिन अभी जो सुबह के जो थोड़े बहुत प्रोग्राम होते हैं ना, वो घर पर होते हैं। तो मैंने जाके वहाँ नाश्ता वगैरह किया सब कुछ, फिर उसके बाद में भात भात वाले जो होते हैं ना, वो आ गए थे, तो वहाँ पर वो भी तैयारी चल रही थी। क्योंकि जो भी काम होते हैं उसी दिन हो रहे थे शाम, क्योंकि ये भी थोड़ा लेट का ही टाइम है, मैं लेट ही पहुँची थी वहाँ पर। और ये भात पहनाया जा रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा भात पहनाया, और हमें भी साड़ी मिली, हमें भी मिले कपड़े तो यहाँ पर। और ये हो रहा है अभी शाम का टाइम, तो रात का टाइम हो रहा है, शाम का भी नहीं बोल सकते, थोड़ा लेट ही पहुँची थी मैं। क्योंकि लगता है ना कि लेट ही चलेंगे, जब बारात वगैरह आ जाएगी तभी चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से बाकी सब घर से ही तैयार होके गए थे। मैरिज होम भी ज़्यादा दूर नहीं था, गाँव से जो है ज़्यादा दूर नहीं था, और मैरिज होम बहुत बड़ा मैरिज होम है, तो वहाँ पे हम सब बहनें हैं, बाकी चारू भी है साथ में, और सब भी हैं। बाकी कुछ गाड़ी वाड़ी के लिए बाहर रह गए हैं, वो पार्क करते हुए भाई वगैरह। और यहाँ पे देखिए, ये मैरिज होम है, तो यहाँ पर वो नाश्ता वगैरह तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन वही सबका आना जाना हो रहा था गाँव से, और वो हम लेट पहुँचे थोड़े, मैंने कहा लेट पहुँचेंगे थोड़ा। तो यहाँ वही 8 बजे का टाइम हो रहा होगा शायद। तो देखिए यहाँ पर ये तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर सब नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, और डांस चल रहा है एक तरफ, बहुत ज़्यादा डांस हुआ इस शादी में, जो कि मतलब बहुत ही डांस हुआ। डांस तो बहुत होता है, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली हैं, जो पर भाई वगैरह डांस करेंगे, भाई बहनें भाभी सब डांस करेंगे, और आप सब भी डांस इंजॉय करना, जो कि बहुत अच्छा डांस हुआ था, काफ़ी देर हुआ।
पर हम थोड़ी देर के लिए रूम में जाते हैं। तो और रूम ना खाली पड़े हुए थे, जो को बहुत सारे रूम थे, कम से कम 8-10 रूम थे, और फुल एसी, बहुत अच्छे मतलब व्यवस्था थी, बहुत अच्छा मैरिज होम था, बहुत अच्छे से सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से शादी हुई। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार भी होके आ चुकी हैं, और अब इनको लेके जाएंगे, जो भी भाई होंगे ना वो सब लेके जाएंगे, जो कि जयमाला के लिए। और जयमाला के बाद में ना मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना भीड़ भाड़ सी हो जाती है, बहुत सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सबके मोबाइल खुल जाते हैं, सब अपना अपना मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं, और वो सबके साथ होता है, क्योंकि हर कोई वीडियो बनाना चाहता है, और सब देखते हैं ना कि एक दूसरे को दिखाएं जाके कि वीडियो देखो कैसी लग रही है। तो बहुत सुंदर तैयार हुई थी, बहुत अच्छे से ये दोनों बहनें एक साथ, जो कि ये थोड़ा लेट ही तैयार होके आई थी, जब ही आई थी तैयार होके, और यहाँ पर, और इसके बाद में मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। और हम आ रहे हैं अब अपने घर के लिए, घर पे आने के बाद भी कोई वीडियो वगैरह नहीं बना, और हम वहाँ से भी निकल लिए हैं फिर अपने घर के लिए, जो कि कल मंडे था, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे में हम घर पहुँच जाएंगे। आज है नेक्स्ट डे, जो कि हम शादी में गए थे, और आप लोगों ने देख ही लिया कि हम शादी में गए थे, और मेरे जो, और शादी में गई थी मैं मायके, और मायके में मेरे पड़ोस में चाचा जी हैं, उनकी बेटी की शादी थी, और बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात ना, बहुत पुरानी पुरानी फ्रेंड्स मिली वहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा देख के, सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और जो कि पता है, वो लोग ना मुझे भी देख रहे थे कि वो शादी में सुनीता भी आएगी, जैसे होता है ना, और वो भी मेरी शादी से पहले की दोस्त थी, जैसे कि होता है ना कि आती हैं गांव में रहने आती हैं कोई कोई, जैसे पड़ोस में चाची जी की कोई रिलेटिव है या कोई है, तो वो इस तरीके से जैसे आते रहते हैं ना शादियों में, जैसे छुट्टियों में आ जाते हैं या कोई शादी होती है उसमें आ जाती हैं, तो उस टाइम की मतलब फ्रेंड थी, और वो सब मिली, और वो सब में मतलब जैसे और भी सब लोगों से मेरे बारे में पूछ रही थी। फिर बाद में जाके किसी ने बोली, किसी ने मना कर दिया कि नहीं आई, किसी ने, और फिर बाद में उनको फाइनली पता चला कि शादी में सुनीता आई है, तो मुझसे मिली, बहुत अच्छा लगा, जो कि बहुत टाइम पुरानी, जो कि कहते हैं ना, तो और अच्छा भी लगता है सबसे मिलके, अच्छा लगता है शादी में, और कुछ इस शादी में बहुत लोग मिले, बहुत, और बहुत इन्जॉय भी किया हमने। वीडियो वगैरह तो मैंने बहुत कम शूट किया, कहीं कहीं जैसे कोई, जैसे बोल देते हैं ना भैया वगैरह, कोई डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, अरे तो वीडियो बना लो थोड़ी सी, तो थोड़ी थोड़ी एक क्लिप ले ली मैंने, बाकी मैंने खूब इन्जॉय किया, सबसे मिली, सब जो भी आए थे सबसे बैठना उठना। और पता, सबसे बड़ी बात कि गाँव में आके भी जैसे मम्मी के पास रात को आ गई थी, मम्मी वगैरह भी सब थे शादी में, फिर रात को हम घर आ गए, और घर आने के बाद भी सुबह को जैसे कोई वीडियो नहीं बनी, और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे मेरा नेट नहीं जाता आता बिल्कुल भी, नेट नहीं आता मायके में जाके मेरा नेट, और मैंने जो मेरी पिछली वीडियो गई है ना, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए आप सबके, और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने प्रे किया कि आगे बहुत जल्द आपके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर मैं किसी के, मतलब किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई थी वहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल भी नेट नहीं आता, अगर नेट चाहिए होता है ना तो छत पे जाना पड़ता है ऊपर, लेकिन मैं एक दिन के लिए गई थी, और उसमें भी देखो सब लोग आते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं, तो मैंने फ़ोन वोन नहीं उठाया बिल्कुल भी, बहुत कम यूज़ किया फ़ोन, और ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि हम सब मतलब किसी से मिल रहे हैं और हम फ़ोन लेके घूम रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से। और आज मैंने आगे सबके, सबसे पहला काम ना यही किया, रिप्लाई दिया सबको कमेंट का, क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि जैसे कि आप लोग करते हो ना, कमेंट करते हो, जल्दी जल्दी कमेंट करते हो, उसी तरीके से मुझे भी लगता है कि मैं आप लोगों की रिप्लाई दूं, कि मैंने रिप्लाई दिया, तो
चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी और मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए फिर, बाय बाय।